Welcome student, this is lecture number 9 of management of industrial relation, socio-economic scenario of India, and we are discussing the 5-year plans of India. This is the second 5-year plan. The second 5-year plan focus on industry, especially heavy industry. Industry pe focus kiya gaya, aur wo bhi kaun si industry? Heavy industry. Domestic production of industrial product was encouraged, particularly in the development of public sector. Domestic production पे focus किया गया. Domestic production of industrial product. The followed the Mahala Nobis model and economic development model developed by the Indian statistician Prasanta Chandra Mahalanobis in 1953. इन्होंने ये मॉडल डेवलप किया इकोनॉमिक डेवलपमेंट का. इसको फॉलो किया गया इंडियन डेवलपमेंट के लिए. इट इज यूज द एग्जिस्टिंग आर्ट ऑफ टेक्निक ऑफ ऑपरेशन एंड रिसर्च एज वेल एज द नोवल एप्लीकेशन ऑफ स्टेटिस्टिकल मॉडल डेवलप एट द इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट. इंडियन स्टैटिस्टिकल टूल में ये जो महाला नोबिस मॉडल डेवलप किया गया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इसको फॉलो किया गया. द प्लान एज्यूम ए क्लोज इकोनॉमी इन विच द मेन ट्रेडिंग एक्टिविटी वुड बी सेंटर ऑन इम्पोर्टिंग कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स के इम्पोर्ट पे फोकस किया गया सेकेंड 5-year प्लान में. कंटिन्यू फोकस ऑन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट एंड 5 स्टील मिल एट भिलाई, दुर्गापुर एंड रूरकेला वेर एस्टैब्लिश. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश किए गए और 5 स्टील मिल्स ओपन की गई अलग अलग जगहों पे, भिलाई, दुर्गापुर और रूरकेला में. कोल प्रोडक्शन वाज इंक्रीज, फोकस ऑन कोल प्रोडक्शन. मोर रेलवे लाइन्स वेर एडेड इन द नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट मीन्स द एरिया ऑफ आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड, दैट ऑल नॉर्थ ईस्ट इंडिया. द एटॉमिक एनर्जी कमीशन वॉज फॉर्म इन 1957 विथ होमी जे भाभा एज द फर्स्ट चेयरमैन. द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च वॉज एस्टेब्लिश एज अ रिसर्च इंस्टीट्यूट. इन 1957 अ टैलेंट सर्च एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम वॉज बिगिन टू फाइंड टैलेंटेड यंग स्टूडेंट टू ट्रेन फॉर वर्क इन न्यूक्लियर पावर. थर्ड 5-year प्लान पीरियड वॉज 1961 टू 1966. द थर्ड प्लान स्ट्रेस ऑन एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूविंग प्रोडक्शन ऑफ राइस, फोकस ऑन प्रोडक्शन ऑफ राइस. बट ड्यू टू सीनो इंडियन वार, सीनो मीन चाइना, the sino-indian war led to inflation and the priority was shifted to price stabilization. India-China war honne ki wajah se ye plan kahan pe focus kiya gaya, price stabilization pe. The construction of dam continued. Dam ka jo construction tha second 5-year plan se jo chala aa raha hai usko continue kiya gaya. Jo bhi project continue ho rahe the usko continue kiya gaya. Simple. Cement and fertilizer plant were also built in this third 5-year plan for more infrastructure development. Punjab began producing a abundant of wheat. Wheat ka production shuru hua Punjab state mein. Many primary school were started in rural areas. Panchayat election were started and the states were given more development responsibilities. State Electricity Board and State Secondary Education Board were formed. State Electricity Board बनाया गया और Secondary Education बनाया गया HRD Ministry के तरफ से. State Road Transportation Corporation were formed and local building become a state responsibility. Then fourth 5-year plan. Fourth 5-year plan में focus किया गया नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन बैंक्स. इंदिरा गांधी ने जो प्राइवेट बैंक थी उसको नेशनलाइज कर दिया गया.
इस फोर्थ फाइव प्लान में, एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इन इंडिया एडवांस इन एडवांस एग्रीकल्चर, ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। ग्रीन रिवोल्यूशन इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वी कैन से। ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब यह होता है, ग्रीन रिवोल्यूशन। इन एडिशन द सिचुएशन इन ईस्ट पाकिस्तान, नाउ इंडिपेंडेंट बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान था पहले तो, इसका भी वार हुआ 1971 में। जो पूर्व पाकिस्तान था, अभी जो बांग्लादेश करके नाम है उसका, जिस देश का नाम बांग्लादेश है वो क्या था, पूर्व पाकिस्तान था, वो मेन पाकिस्तान से अलग हुआ 1971 में। इंदिरा गांधी ने उनको सपोर्ट किया था, तो उस टाइम पे भी इंडिया का इकोनॉमी डिस्टर्ब हुआ। इन एडिशन द सिचुएशन इन ईस्ट पाकिस्तान, नाउ इंडिपेंडेंट बांग्लादेश, वॉज बिकमिंग डायर एज द इंडो पाकिस्तानी वार ऑफ 1971 एंड बांग्लादेश लिबरेशन वार टूक प्लेस। फंड्स आर मार्क फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैड टू बी यूज फॉर दी वार एफर्ट। फंड आर मार्क फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैड टू बी यूज फॉर दी वार एफर्ट। इंडिया ऑल्सो परफॉर्म दी स्माइलिंग बुद्धा अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974। इंडिया पाकिस्तान वार होने की वजह से क्या हुआ, थोड़ा इकोनॉमी पे इफेक्ट हुआ, लेकिन फिर पाकिस्तान को डराने के लिए और अपने अपने डिफेंस पावर बढ़ाने के लिए इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया 1974 में, जिसका नाम रखा स्माइलिंग बुद्धा, पर्टिकुलरली इन रिस्पॉन्स टू द यूनाइटेड स्टेट डिप्लॉयमेंट ऑफ द सेवन फ्लीट इन द बे ऑफ बंगाल टू वार इंडिया अगेंस्ट अटैकिंग वेस्ट पाकिस्तान एंड वाइडनिंग दी वार। फोकस किया गया न्यूक्लियर टेस्ट पे 1974 में, इसको नोट डाउन करना है। फोर्थ फाइव ईयर प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई कि 1969 में जो बैंक्स थी प्राइवेट बैंक, उसको नेशनलाइज किया गया। प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज कैसे करते हैं, किसी ने क्वेश्चन पूछा था, ओके आई एम आंसरिंग। प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज करने के लिए क्या करता है गवर्नमेंट अपना कुछ शेयर बैंक में रखता है। जैसे प्राइवेट बैंक में अपना शेयर, मतलब कैसे कि जैसे प्राइवेट बैंक के पास में 50 करोड़ रुपी है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा, 50 करोड़ रुपी अपने पास से उसमें रखेगा, और फिर अपना शेयर जब उसमें रखेगा तो वो हो जाती है नेशनलाइज बैंक, वो बन जाती है नेशनलाइज बैंक। तो नेशनलाइज बैंक में कुछ प्राइवेट शेयर भी होते हैं और कुछ गवर्नमेंट के शेयर भी होते हैं। तो गवर्नमेंट के शेयर होते हैं मतलब गवर्नमेंट का पैसा बैंक में होता है, तो वो बन जाता है नेशनलाइज बैंक। उसको उसमें कुछ शेयर होता है, कुछ शेयर होता है, शेयर मतलब पैसा होता है जो कंट्रीब्यूट कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये हुआ नेशनलाइज, ऐसे करते हैं बैंक को, मैं आंसर दे रहा हूं आपका। उसके बाद में किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि ये ईस्ट पाकिस्तान किधर है, ओके ईस्ट पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश। अभी का जो बांग्लादेश है आप जानते हो, कलकत्ता के बाजू वाला, ओके उसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते हैं। ईस्ट पाकिस्तान मतलब आप पूर्व पाकिस्तान समझेंगे, ओके। और किसी ने क्वेश्चन पूछा था स्माइलिंग बुद्धा ये किसका नाम है, ओके ये न्यूक्लियर टेस्ट का नाम है जो 1974 में हुआ था, ओके 1974 में टेस्ट किया गया था न्यूक्लियर टेस्ट, उसका नाम है स्माइलिंग बुद्धा, ओके बुद्ध हंस रहा है ऐसे लगता है ना आपको, ओके ऐसा नाम है ना वो, ठीक है। उसके बाद में आया फिफ्थ फाइव ईयर प्लान 1974 टू 1979, स्ट्रेस वॉज लेड ऑन एम्प्लॉयमेंट, फोकस काय पे किया गया, एम्प्लॉयमेंट पे। उसके बाद में फोकस किया गया पावर्टी एलिवेशन पर फोकस किया गया एंड जस्टिस, एम्प्लॉयमेंट पावर्टी एलिवेशन एंड जस्टिस। द प्लान आल्सो फोकस ऑन सेल्फ रिलायंस,
सेल्फ रिलायंस मतलब सेल्फ ग्रोथ, वो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ रहो या फिर पर्सनल ग्रोथ रहो, सेल्फ रिलायंस इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड डिफेंस, और एग्रीकल्चर ग्रोथ और डिफेंस डिफेंस के ग्रोथ पे फोकस किया गया। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट वाज इनएक्टेड इन 1975। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट वो एक्ट वाज इनएक्टेड इन 1975 विच इनेबल द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एंटर इनटू पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन। पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन शुरू हुआ 1975 में, और उसको उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीड किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लीड किया। अब ये पावर जनरेशन का पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज पावर इज रिक्वायर्ड टू इंडस्ट्री। ओके, 1975 में पावर जनरेशन का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1975 एंड देन सेंट्रल गवर्नमेंट लीड फॉर पावर जनरेशन। इन 1978 न्यूली इलेक्टेड मोरारजी देसाई गवर्नमेंट रिजेक्टेड द प्लान। उसके बाद में मोरारजी देसाई ने ये जो प्लान है इसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने का एक ही रीजन है, ओके, ये बीजेपी का गवर्नमेंट था और ये कांग्रेस का गवर्नमेंट था। ओके, हो सकता है पॉलिटिकल पॉलिटिकल की वजह से हो। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट ड्यू टू दिस मे बी ओके रिजेक्ट किया गया और नया प्लान बनाया गया, 6-5 ईयर प्लान। यह आया 1980 और 85 के बीच में, 1980 और 85 के बीच में। अभी यहाँ पे देखिए 79 और 80 के बीच में जो प्लान आया वो आया था मोरारजी देसाई का प्लान। ओके, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये 6 प्लान आया, 6-5 ईयर प्लान आया, और फिर से गवर्नमेंट आया कांग्रेस का। वेन राजीव गांधी वॉज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर, द यंग प्राइम मिनिस्टर एम फॉर रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। नोट डाउन करिए, फर्स्टली राजीव गांधी फोकस ऑन रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्पेशियली इन द एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। स्पेशियली स्पेशली कौन सा एरिया है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। द इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड मेनी रोड्स वेर वाइडन टू अकोमोडेट द इंक्रीजिंग ट्रैफिक। रोड का डेवलपमेंट हुआ 6-5 ईयर प्लान में, नेशनल हाईवेज का सिस्टम इंप्रूव किया गया, एंड देन टूरिज्म ऑल्सो एक्सपांडेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। द 6 प्लान ऑल्सो मार्क द बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। द 6 प्लान ऑल्सो मार्क द बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। फोकस किया गया इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पे, इकोनॉमिक फ्रीडम पे। प्राइस कंट्रोल वेयर इलिमिनेटेड एंड राशन शॉप वेयर क्लोज। दिस लेड टू एन इंक्रीज इन फूड प्राइसेस एंड एन इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा बढ़ गया क्योंकि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पे फोकस किया गया और राशन शॉप को बंद किया गया था। फैमिली प्लानिंग ऑल्सो वॉज एक्सपांडेड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ओवर पॉपुलेशन। फैमिली प्लानिंग भी इसी पीरियड में हुआ, ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। ओवर पॉपुलेशन इज ऑल्सो प्रॉब्लम एंड ऑल्सो गुड फॉर एज ए ह्यूमन पावर, बट ऑल्सो प्रॉब्लम फॉर प्रॉब्लम एंड ओवर पॉपुलेशन इट मीन्स इट इज बर्डन टू इकोनॉमी ऑल्सो बिकॉज इफ मोर मोर स्टमक आर देयर देन मोर फूड फूड विल रिक्वायर्ड। मोर प्रॉस्परस एरियाज ऑफ इंडिया अडॉप्टेड फैमिली प्लानिंग मोर रैपिडली देन लेस प्रॉस्परस एरियाज। मोर प्रॉस्परस एरियाज ऑफ इंडिया अडॉप्टेड फैमिली प्लानिंग मोर रैपिडली देन लेस प्रॉस्परस एरियाज विच कंटिन्यू टू हैव अ हाई बर्थ रेट। फैमिली प्लानिंग पे फोकस किया गया। सो दिस इज 6-5 ईयर प्लान फ्रॉम 1980 टू 1985। सो दिस इज अबाउट लेक्चर नंबर 9। आई एम समराइजिंग फॉर यू।
स्टूडेंट बिकॉज ड्यू टू कनेक्शन एरर वी हैव नॉट डिस्कस दिस लेक्चर नंबर 9 इन वेल मैनर टूडे सो आई एम अपलोडिंग दिस फॉर यू स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच.